नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चाहता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे आइडेंटिटी के बारे में। जी हाँ साथियों, बाबा साहब के आंदोलन में जब हम सामाजिक जीवन में लोगों में जाते हैं, बहुजन समाज में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि समाज में बाबा साहब का अवलोकन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि अपने अपने तरीके से अवलोकन करके लोगों ने कुछ टैग्स खुद को लगा लिए हैं। ये टैग बहुत ही भ्रामक है, और इन टैगों की वजह से जो बाबा साहब हमें मूल अस्तित्व जो देना चाहते थे वो कोसों दूर रह गया है। तो सामाजिक तौर पर हमारे लोग आज भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हमारी मूल आइडेंटिटी क्या है। आज भी लोग खुद को कोई अंबेडकराइट बोलता है, कोई बहुजनवादी बोलता है, कोई मूल निवासी बोलता है, कोई लोग खुद को जय भीम वाले बोलते हैं, कोई लोग खुद को मैं भारतीय हूँ, मुझे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं ऐसा बोलते हैं, कोई लोग खुद को रिपब्लिक कहते हैं, कोई लोग खुद को सोशलिस्ट कहते हैं। ऐसे अलग अलग टैग्स हमारे समाज में है। बाबा साहब क्या चाहते थे इन टैग्स के बारे में, लोग इतने कन्फ्यूजन में क्यों है, इस सब का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए साथियों, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चैनल के वीडियोस लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि लोग बाबा साहब का आंदोलन समझ सके। तो बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज हमारे समाज में ये जो कन्फ्यूजन लोगों में है, ये जो लोग अलग अलग टाइप्स के स्लोगन्स टैग्स लेकर घूम रहे हैं, इनका विजन अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। इनका विजन क्लियर ना होने का कारण इस आंदोलन की प्रीवियस हिस्ट्री है। बाबा साहब के आंदोलन में जो जिन लीडरशिप ने काम किया, जिस लीडरशिप ने उनके उनके समय में कुछ बातें एस्टैब्लिश की, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इस अनसक्सेसफुल लीडरशिप का नतीजा, इसके परिणाम बाबा साहब के आंदोलन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले परिणाम है। और इस परिणामों से बाहर निकालने के लिए हमारे जैसे लोगों की सख्त जिम्मेदारी है, जिन्हें बाबा साहब सच में असलियत में समझते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को इन सारे भ्रामक कन्फ्यूजन से बाहर निकालें। साथियों, अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तारीख बताता हूँ, और उस तारीख में जो संगठन रजिस्टर्ड हुए उसके नाम बताता हूँ। इससे आपको ये समझेगा कि बाबा साहब के आंदोलन में कौन से संगठन आए जो बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को इम्पैक्ट कर गए। इसमें पहली तारीख आती है 30 अक्टूबर 1957, जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दूसरी तारीख आती है 29 मई 1972, जब दलित पैंथर मूवमेंट की स्थापना हुई, दलित पैंथर संगठन की स्थापना हुई। तीसरी तारीख इनमें आती है 6 दिसंबर 1978, जब बामसेप की स्थापना हुई। चौथी तारीख इसमें आती है 6 दिसंबर 1981, जब DS4 की स्थापना हुई। पांचवी तारीख इसमें आती है 14 अप्रैल 1984, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। तो साथियों, मैंने कुछ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, गिने चुने संगठनों के बारे में ही यहाँ पर जिक्र किया है। ऐसे बाबा साहब के नाम पर आज तक इस भारत में हजारों संगठन रजिस्टर है, हर एक राज्य में हजारों संगठन रजिस्टर है। जो उठता है वो अपना खुद का संगठन चलाने लगता है, ऐसे आंदोलन की स्थिति है, वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का आज के युवाओं के मेंटल थॉट्स पर जो इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में। दलित मूवमेंट महाराष्ट्र में चालू हुई, दलित मूवमेंट भारत में चालू हुई, इससे रिलेटेड आज भी जो लोग हैं वो खुद को दलित समझते हैं। इस मूवमेंट का जो हिस्सा बने वो उस समय दलित बनकर रहे, और उन्होंने इस दलित आइडेंटिटी को अपनी वैश्विक आइडेंटिटी बनाने का प्रयास किया, और उसकी वजह से वो लोग दलित मूवमेंट में ही रहे। ये आइडियोलॉजी का मामला ऐसा है साथियों, एक बार अगर हमने खुद को कोई टैग दे दिया तो वो टैग आजीवन हमारे साथ वैसे ही रहता है। तो इस बात को हमें समझना होगा, अगर कोई इंसान दलित समझता है खुद को, तो वो हमेशा के लिए मरते दम तक दलित हो जाता है।
दूसरी बात आती है यहां पर बहुजन कंसेप्ट की। माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन आइडियोलॉजी डेवलप की, ये बहुजन शब्द बुद्ध का शब्द है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहूताय, ये जो बहुजन आइडियोलॉजी है बुद्ध की आइडियोलॉजी है और ये बहुजन शब्द बुद्ध का है। तो कांशीराम साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये बहुजन आइडियोलॉजी यहाँ पर स्थापित की। हालांकि ये बहुजन आइडियोलॉजी आज भी भारत में सक्सेसफुल है, आज भी हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ये सांसद बने हैं इसी आइडियोलॉजी के कारण, और बाकी के पार्टियों का क्या हर्ष हुआ ये आपके सामने है। तो ये बहुजन आइडियोलॉजी आज भी भारत में काम कर सकती है, आगे भी करेगी। इसी आइडियोलॉजी ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री पद दिया था। तो ये बहुजन आइडियोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी है। तो ये एक आइडियोलॉजी हुई बहुजन आइडियोलॉजी। हम लोगों में बामसेफ के संगठन से जो जो लोग जुड़े हैं वो खुद को मूल निवासी समझते हैं। मूल निवासी राष्ट्रवाद, ये कंसेप्ट महात्मा ज्योतिबा फुले जी से आए हैं और ये कंसेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ब्राह्मणवाद से हमें लड़ना होगा, ब्राह्मणवाद से सीधा टकराव लेना होगा, तो मूल निवासी राष्ट्रवाद ही हमें एकमेव पर्याय है। उसके अलावा हम ब्राह्मणवाद से लड़ ही नहीं सकते हैं। ये मूल निवासी राष्ट्रवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इंसान अभी अपने लाइफ में मूल निवासी हो जाता है वो हमेशा के लिए मूल निवासी हो जाता है। आगे आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ, जो है अंबेडकराइट लोग। ये लोग खुद को मराठी में अंबेडकरवादी कहते हैं और इंग्लिश में अंबेडकराइट कहते हैं। ये लोग आजीवन अंबेडकराइट ही रहते हैं। ये लोग ऐसा कहते तो है हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म भी दिया था, उसका धम्म प्रचारक हमें बनना है, ये इनके दिमाग में कभी नहीं आता है। ये सिर्फ अंबेडकराइट ही बन जाते हैं। और हालांकि बाबा साहब दिशा देते हैं कि तुम्हें बौद्ध बनना है, इस कारवा को आगे लेके जाना है, लेकिन ये लोग बाबा साहब को ही उनका ही जय जयकार करने में लगे हैं। बाबा साहब के आंदोलन पर, बाबा साहब के दिशा निर्देशों पर चलना तो दूर की बात है। उसके बाद में आते हैं कोई कोई लोग खुद को अंबेडकराइट बुद्धिस्ट कहते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जो दिया वो नवयान है और ये तो बुद्धिज्म से बहुत ही अलग है, ये आधुनिक बुद्धिज्म है। ऐसे बहुत बहुत मिसकंसेप्शंस लोगों में है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लोगों पर लेवल पर अगर ये लोग घूमते हैं तो ये लोग वहां पर भी खुद को अंबेडकराइट बताते हैं। सोचो, अंबेडकराइट बुद्धिस्ट ये क्या है? बौद्ध बौद्ध होता है, अंबेडकराइट बुद्धिस्ट ये क्या है? ये कहाँ से भी कुछ भी लाने का, कुछ भी अपने दिमाग में डाल देने का, और वही बाबा साहब का खुद से अवलोकन कर खुद ही बाबा साहब के मिशन में चल पड़ने का। हालांकि बाबा साहब को पढ़ने का भी नहीं, बाबा साहब जो कहते हैं वो मानने का ही नहीं। बाबा साहब बोलते बौद्ध हो, ये बोलते हम अंबेडकरवादी बौद्ध है, हम अंबेडकराइट बौद्ध है। अगर आप अंबेडकराइट बौद्ध है तो बाबा साहब ने जो जागतिक नेटवर्क बनाने को कहा था उसका क्या हुआ? बाबा साहब ने जो दिशा निर्देश दिए, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया, वो वीडियो जाकर देखिएगा, 10 उद्देश्यों पर काम करना था, उसका क्या हुआ? तो ये अंबेडकराइट बुद्धिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, नवयानी बुद्धिस्ट, महायानी बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट होता है, हम बौद्ध है, ऐसा बाबा साहब का स्टेटमेंट है। और बाबा साहब जो कहते हैं 22 प्रतिज्ञा में 19वीं प्रतिज्ञा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम बौद्ध बन चुके हैं, बौद्ध ये हमारी आइडेंटिटी है हमारे अंतिम चरण तक, ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद तो एक बहुत ही बढ़िया समुदाय आता है और वो समुदाय है जय भीम वाले लोगों का। ये लोग खुद को जय भीम वाले कहते हैं, ये लोग बाबा साहब को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये डायरेक्ट जय भीम वाले बोल जाते हैं। जय भीम एक नारा है, एक क्रांति का प्रतीक है, और ये लोग खुद को जय भीम वाले बोल रहे हैं। बाबा साहब बोलते बौद्ध बनो, ये खुद को जय भीम वाले बोल रहे हैं। और जय भीम में भी इन लोगों ने वैरायटी निकाली है, मानाचा आदराचा स्वाभिमानाचा अडक जय भीम, मानाचा जय भीम, सन्मानाचा जय भीम, कड़क जय भीम। ये कड़क जय भीम क्या होता है? ये तो मैं
बहुत सालों से सुन रहे हो कड़क जय भीम। अरे ये क्या है कड़क जय भीम नरम जय भीम? इन लोगों ने बाबा साहब का मजाक बना के रखा है, बाबा साहब के आंदोलन को इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। बाबा साहब कहे कि हमें बौद्ध बनना है, दिशा निर्देश हमारे निश्चित है, ध्येय उद्दिष्ट हमारे निश्चित है, बौद्ध में भारत का आंदोलन हमारे सामने है, लेनियों का, हमारे प्राचीन विरासतों का, महाबोधि टेम्पल, सोमनाथ मंदिर जैसे आंदोलन, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ ऐसे बहुत सारे आंदोलन, तिरुपति बालाजी जैसे आंदोलन हमारे सामने, बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट मिशन बाबा साहब ने दिया है, जागतिक लेवल का संगठन बनाना है, भारत में प्रतिक्रांतिवादियों को हराना है, क्रांति एस्टेब्लिश करनी है। ये लोग बोल रहे हम जय भीम वाले लोग हैं, कड़क जय भीम, स्वाभिमानी जय भीम। जय भीम शब्द का अर्थ तो पता है क्या इन लोगों को? ये लोग जय भीम शब्द का मजाक उड़ाने में लगे हैं, बाबा साहब का मजाक है जो ऐसा बोलते हैं ना कड़क जय भीम वगैरह। जय भीम कड़क वगैरह नहीं है, ये हमारे क्रांति का नारा है, क्रांति का प्रतीक है। बाबा साहब जब थे, बाबा साहब जब थे तब दाबू एल एन हरदास ने इस नारे को एस्टैब्लिश किया था, जय भीम बल भीम। ये गाने थे समता सैनिक दल में, लॉ समता सैनिक दल का एक मेन सॉन्ग ये था, जय भीम जय भीम जय भीम पुकारे जा, सिर अमन पे बार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसार जा, जय भीम जय भीम जय भीम पुकारे जा। ये आंदोलन की गरिमा है, ये आंदोलन की परिभाषा है, इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। बाबा साहब ने कहा था कि आई एम फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। बाबा साहब खुद को भारतीय बताते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को वो मानसिकता एस्टैब्लिश होनी चाहिए, लोगों को उस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का स्वीकार भी किया है, वो सिर्फ भारतीय नहीं है तो वो बुद्धिस्ट है, इस बात को हमें समझना होगा। बाबा साहब को नेशनली हम बोधिसत्व कहते हैं, बाबा साहब बोधिसत्व थे। तो भारतीय तो हम लोग है ही, लेकिन हम प्रथमता और अंतिमता बौद्ध भी है, ये बात बाबा साहब के अनुयायियों को समझनी चाहिए। भारतीय तो हम है ही, लेकिन हम प्रथमता और अंतिमता बौद्ध है। गांधी और बाबा साहब के एक डिबेट में आपने सुना होगा, बाबा साहब बोले गांधी को कि वी डू नॉट हैव मदरलैंड ओवर हियर, इस भारत में हमें हमारी मातृभूमि नहीं है। और वही बाबा साहब आगे जाकर कहते हैं वी आर फर्स्ट लैंड लास्टली इंडियन, क्योंकि बाबा साहब एक राष्ट्रप्रेमी थे, बाबा साहब कोई ढोंगी नहीं थे, इसलिए बाबा साहब ने आइडेंटिटी तुम्हें दी। और इस आइडेंटिटी के पार जाकर, इससे आगे जाकर बाबा साहब ने बहुत सारे स्पीचेस दिए कि व्यक्ति को धर्म कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, उन्होंने भी सत्यशोधक धर्म दिया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, वैसे ही बाबा साहब ने उनको गुरु माना, उनका आंदोलन आगे लेके आए, मतलब जो मूल निवासी राष्ट्रवाद था वो आंदोलन बाबा साहब आगे लेके आए, और उस आंदोलन को बाबा साहब दिशा दे रहे हैं बौद्ध में भारत की। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी, लोगों को समझाना होगा। और लोगों में आज भी ये जो कंफ्यूजन है, लोग आज भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आज बोलते हैं हम जय भीम वाले हैं, हम दलित है, हम बहुजन है, हम अमका है, हम फलाना है। आजकल ये तो एक नया ट्रेंड ही चालू है, लोग बाबा साहब बोले जातियां खत्म करो, जातियां खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय और एकमेव पर्याय बाबा साहब देते हैं बुद्ध धम्म का स्वीकार करना। और ये लोग आज जातियों को मजबूत करने में लगे हैं। कोई बोलता है महाराष्ट्र के लोग हम द ग्रेट महार है, द ग्रेट चमार है, यूपी बिहार के लोग बोलते हैं द ग्रेट चमार है, द ग्रेट महार है, द ग्रेट जाटव है, ये पूरे भारत में ये क्या चालू है? बाबा साहब बोले जातियां खत्म करो, जातियों का अंत करो, बुद्ध धम्म का स्वीकार करो, ये भारत बौद्ध में करो, और यहां पर हमारे लोग जातियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। किस दिशा में हमारा आंदोलन जा रहा है, इस आंदोलन की समीक्षा आपको करनी होगी। हमारे लोग आज भी बहुत ही कंफ्यूज है, लोगों को आज भी नहीं समझ रहा हम बौद्ध है, हम मूल निवासी है, हम बहुजनवादी है, हम जय भीम वाले हैं, हम भारतीय है, हम क्या है? अलग अलग टैग देकर हम सिर्फ छुप रहे हैं बुद्ध धम्म को जागतिक स्वरूप से एक्सेप्ट करने को, सबके सामने एक्सेप्ट करने से हम सिर्फ छुप रहे हैं। और बाबा साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते, बाबा साहब चाहते हैं कि आप आज ही बौद्ध बन जाओ, ये भारत बौद्धमय करने का है, सबको हमें बौद्ध आइडेंटिटी रखनी है। बाबा साहब ने कहा था आपका धर्मांतर बहुत ही जरूरी है,
अभी मैं आपको जिन जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए उन लोगों के व्यूज आपको समझाता हूँ। जैसे कि पैंथर नामदेव डसाल, राजा ढाले, इन लोगों का यहाँ पर एक जो दलित पैंथर पुस्तक है वो पुस्तक आप लोग पढ़िएगा। उस पुस्तक में नामदेव डसाल जी ने एकदम सुस्पष्ट तरीके से कहा था कि बाबा साहब ने जैसे धर्मांतर के कार्यक्रम लिए वैसे कार्यक्रम हमें लेने चाहिए थे क्योंकि हमारे पास उतनी जनता थी। वो धर्मांतर के कार्यक्रम मतलब वो भी नामदेव डसाल जी भी तुमको इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें बौद्ध में भारत की ओर बढ़ना था, हालांकि वो कुछ कंडीशंस के वजह से नहीं कर पाए, अन्याय अत्याचार की सीमा चरम सीमा पर थी इसलिए वो नहीं कर पाए, लेकिन वो उन्होंने व्यू दिया आपको। मान्योर कांशीराम साहब बहुजन कैंडिडेट, बहुजन विचारधारा, ये भी कांशीराम साहब ने एस्टेब्लिश किया। और कांशीराम साहब क्या बोलते हैं, मेरे सपनों का भारत ये सम्राट अशोका का भारत है। कांशीराम साहब ने भी क्लियरिटी से हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें बौद्ध बनना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब ने कहा वी आर रिपब्लिकन, बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी के जब स्थापना हुई तब बाबा साहब नहीं थे, उनकी कॉन्सेप्ट में यह पार्टी थी कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, जो फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, फुले शाहू अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले का आंदोलन समझने वाले मूल निवासी जो लोग हैं, उनको बाबा साहब रिपब्लिकन बनाना चाहते थे और वो बुद्धिस्ट दिशा निर्देश बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा तुमको अंबेडकर एड बौद्ध बनो, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा तुम जय भीम वाले बनो, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा जय जयकार करो, अगर मैं भारतीय बोल रहा हूँ तो भारतीय ही बने रहो और इधर बुद्धिज्म को नास्तिकवादी समझो। आज लोगों में कंसेप्ट है कि अगर हम नास्तिकवादी है तो हम बौद्ध है, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये बुद्धिज्म है, आस्था का विषय है, नास्तिकवाद यानी बुद्धिज्म नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने दिमाग में फिट कर लो। बाबा साहब के राइटिंग्स एंड स्पीचेस का खंड 18 भाग 3 अभी जाकर पढ़िएगा, ऑनलाइन भी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ डाउनलोड करें। बाबा साहब के 1946 से लेकर 56 तक बाबा साहब के जो भाषण है, बाबा साहब के जो लेख है वो पढ़े। बाबा साहब ने क्लियर कट दिशा निर्देश दिए, धम्म क्यों जरूरी, बुद्धिज्म के एस्टेब्लिशमेंट क्यों जरूरी, मेरे आने वाले युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, मेरे आंदोलन का ध्येय उद्दिष्ट क्या है, बुद्धिज्म का उद्दिष्ट क्या है, व्यवस्था परिवर्तन क्यों जरूरी है, राजनीति से ज्यादा धर्म कैसा जरूरी है, ये बुद्धम शरणम गच्छामि क्या है, बाबा साहब ने हर एक बात आपको बता रखी है। सिर्फ पढ़ाई आपको करनी है, बाबा साहब का आंदोलन आपको समझना है। आप ही ये नहीं समझेंगे तो बाकी लोगों को क्या खाक समझाओगे, इसलिए अभी जागने का मौका है, जागो। बाबा साहब को ठीक से पढ़ो, दिमाग में डालो, ये आंदोलन लोगों में जाकर लोगों को समझाओ, ये वीडियो को शेयर करो ताकि लोग समझ सके, इस बारे में जाग सके कि हम कोई जय भीम वाले नहीं है, हम कोई अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट नहीं है, हम सिर्फ बहुजन ही नहीं है, हम सिर्फ मूल निवासी वाले नहीं है। इन मूल निवासी बहुजन कंसेप्ट के जो एस्टैब्लिशर है वो भी खुद डिसीजन देते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें बौद्ध होना है। बहुत ही स्पष्टता से बाबा साहब कहते हैं हम बुद्धिस्ट है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, लोग बुद्धिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं। और जो लोग खुद को बुद्धिस्ट नहीं मानते वो ये बाबा साहब का आंदोलन छोड़ दो, वो बाबा साहब का जय भीम बोलना छोड़ दो, क्योंकि आंदोलन अगर समझ ही नहीं रहा है, बाबा साहब को पूरी तरीके से आपको स्वीकार ही नहीं करना है तो क्यों ये दिखावा करते हो। अगर स्वीकार नहीं है बाबा साहब तो उनकी तरह आपको बौद्ध होना होगा, बुद्ध धम्म का स्वीकार करना होगा और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना होगा। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो आइडेंटिटी है, जो मूल आइडेंटिटी है, जो हमें सामाजिक तौर पर हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखना है वो बौद्ध है, बौद्ध आइडेंटिटी है, ये आपको समझा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस में, और साथ ही में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चाहते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवोल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।